तो ये देखो प्यारे बच्चों, अगर इस वाले क्वेश्चन को देखोगे तो इसमें क्या कहोगे तुम, क्या इसमें कहा जा रहा है कि अगर हम हमारे पास मतलब हम लोगों के पास एक रॉड है तो जिसका लेंथ 10 सेंटीमीटर है, लाई अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कनकेव मिरर, ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 हो गया, सो दैट इंड इट टच द पोल 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर। तो कहता है कि लेंथ ऑफ इमेज निकालो। देखो एक अच्छा सा क्वेश्चन है यहाँ पे, लेंथ ऑफ इमेज निकालने के लिए ये अपने पास कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मतलब ये होता है अंदर से, इधर गुफे वाले साइड जो है, कॉनकेव मतलब गुफा, केव मतलब गुफा। तो ये पोल है और ये इसका फोकस है और ये इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है, जो कि जो एक एंड रॉड का यहाँ से ये जो है 20 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर को टच करता है। तो जो रॉड है वो यहाँ से, अब रॉड कुछ ऐसा है, तो रॉड जो है वो आप ऐसे इमेजिंग कर लो, ऐसे रॉड रखा हुआ, दिस इज़ द रॉड। तो अगर ये रॉड यहाँ रखा हुआ है तो इस रॉड की यहाँ पे क्या हो गया भाई, हाँ ये जो रॉड है अगर यहाँ पे है तो ये वाली जो इंड है यहाँ से, तो ये सी पॉइंट है, दिस इज़ द रॉड। और ये जो रॉड की लेंथ है हमें जानने की ज़रूरत नहीं है, ये सी है और ये पॉइंट ए है। तो लेंथ ऑफ इमेज मैं देख लेता हूँ जो सी पॉइंट है वो कहाँ है, सी का इमेज कहाँ बन रहा है और ए का इमेज कहाँ बन रहा है, फिर दोनों का डिफरेंस ले लूँगा तो लेंथ ऑफ इमेज आ जाएगा। तो पॉइंट जो है, पॉइंट सी का इमेज देख लेते हैं, तो सी के लिए जो यू हो जाएगा वो -20 हो जाएगा और फोकल लेंथ इसका -10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये कहाँ पे इमेज बना होगा, तो 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f अगर मैं लगाता हूँ, तो 1/v - 1/u मतलब -1/20 इज इक्वल टू -1/10। तो 1/v इज इक्वल टू 1/, यहाँ से 20 - 1/10, तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे तो -1/, यहाँ से 20 मतलब जो v आ जाएगा वो -20 सेंटीमीटर, जो सी पॉइंट है उसका इमेज 20 सेंटीमीटर पे यहाँ से कहीं भी बनेगा। वैसे भी यहीं बन जाएगा यार, इसका इमेज यहीं बन जाएगा, इमेज यहाँ IC बन जाएगा, ठीक ना, एक पॉइंट यहाँ बन जाएगा। दूसरा जो ए पॉइंट है उसका इमेज कहाँ बनेगा, फॉर पॉइंट ए, तो पॉइंट ए के लिए उसको मैं देख लेता हूँ कहाँ बनता है, फॉर पॉइंट यहाँ से पॉइंट ए। तो अगर पॉइंट ए से तुम देखोगे तो पॉइंट ए के लिए जो यू आ जाएगा, यू ऑफ पॉइंट ए, वो रॉड का लेंथ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो 20 + 10 दैट इज़ यहाँ से -30, ठीक ना, -30 यहाँ से, तो -30 सेंटीमीटर यू आ जाएगा, फोकल लेंथ वही रहेगा -10, तो यहाँ से 1/va और यहाँ से -1/u 30 और यहाँ से -1/10, तो 1/va जो बनेगा वो 1/30 - 1/10, तो 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, -2/30 मतलब आ जाएगा -1/50। तो जो ए पॉइंट है उसका इमेज -50 सेंटीमीटर पे बना होगा 15, तो यहाँ से ये 10 है 15 है, तो यहाँ पे उसका भी इमेज बना होगा, दैट इज़ यहाँ पे इमेज I2 बना होगा, ठीक ना, यहाँ से ये हो गया 10 और ये हो गया 15, तो जो इमेज है वो ऐसे कुछ बना होगा, दिस इज़ द इमेज, जो ब्लैक कलर का बना रहा हूँ दिस इज़ द इमेज, ठीक ना, लगभग लगभग। तो ये वाली जो लेंथ है वो कितनी होगी, दिस इज़ द लेंथ ऑफ इमेज एक्स, तो एक्स की जो वैल्यू है वो कैसे निकाला जाए, तो आसान है, लेंथ ऑफ इमेज एक्स निकालने के लिए 20 में से 15 को घटा दो तो ये आ जाएगा 20 में से 15, तो 5 यहाँ से सेंटीमीटर लेंथ ऑफ इमेज। ये जो माइनस साइन है ध्यान रखना, वो माइनस साइन रे के साइन कन्वेंशन के लिए आया था, लेकिन हम लेंथ से लेंथ को घटा रहे हैं तो ये जो माइनस है उसकी हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो ये 15 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर इज द फाइनल सोल्यूशन, डी ऑप्शन सही है।